So, pointers basically क्या हैं? Variables ही हैं जो हमने अब तक पढ़े हुए हैं। जैसे हम normally कहते हैं कि हमारे पास एक variable है जो एक value को store करता है। Pointer भी एक variable ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसकी value में क्या store होगा, किसी और variable का address। मतलब हम नॉर्मली वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करते हैं 10, 20, 30, एनीथिंग। बट व्हाट डज अ पॉइंटर स्टोर? इट विल ओनली स्टोर द एड्रेस ऑफ व्हाट अनदर वेरिएबल। किसी और वेरिएबल का क्या पड़ा होगा? एड्रेस पड़ा होगा। जैसे हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं कि वेरिएबल्स मेमोरी लोकेशन पर आते हैं और मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होता है। अभी तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था कि वो जो हमने वेरिएबल बनाया है वो किस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हुआ है, हमें चाहिए भी नहीं। लेकिन अगर हमें जानना हो कि एग्जैक्टली मेरे इस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस क्या है, तो इसके लिए हमारे पास ऑपरेटर है कॉल्ड एम्परसैंड, सिंगल एंड ऑपरेटर। डबल एंड आपने लॉजिकल में पढ़ा हुआ है, सिंगल एंड आपका पॉइंटर में आएगा। तो पॉइंटर्स के केस में हम दो ऑपरेटर्स यहाँ पर यूज करेंगे। वन इज एंड फॉर फाइंडिंग द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, किसी वेरिएबल का एड्रेस फाइंड करने के लिए, एंड स्टार ऑपरेटर दैट इज यूज टू फाइंड द वैल्यू एट वॉट गिवन एड्रेस, कि जो एड्रेस आप हमें दे रहे हो उसमें क्या पड़ा है, ये जानने के लिए हम स्टार ऑपरेटर का यूज करेंगे। दो ऑपरेटर्स हमारे पास काम में आएंगे पॉइंटर के अंदर। पॉइंटर वेरिएबल्स हैं जो एड्रेस किसी और वेरिएबल का स्टोर करेंगे। अगर मैं एग्जांपल लूं तो आई विल से इंटीजर ए इक्वल्स टू 10, तो एक सिंपल वेरिएबल है जिसके अंदर हमने वैल्यू क्या डाली है, 10 डाली है। ना पॉइंटर बनाने के लिए हमें ऑपरेटर भी यूज कौन सा करना पड़ता है, स्टार ही करना पड़ता है। मतलब वेरिएबल के साथ अगर मैं स्टार लगा दूंगा int star p, अगर ये सिंपल होता int p तो ये एक वेरिएबल है जो वैल्यू स्टोर करेगा। नाउ इट इज int star p, मतलब ये एक पॉइंटर है जो किसी का एड्रेस स्टोर करेगा। हम ऊपर वाले केस में कह रहे हैं कि आपका a एक वेरिएबल है जिसमें करंटली क्या पड़ा है, तो a एक वेरिएबल है जिसकी करंट वैल्यू क्या है, 10 है। बट व्हाट इज स्टार p? फिलहाल हमने एक पॉइंटर बनाया, पॉइंटर में एड्रेस स्टोर होता है। अभी तक हमने इसमें कोई एड्रेस नहीं डाला, सो वी से इट कंटेन्स व्हाट द गार्बेज एड्रेस, किसी का तो पड़ा ही होगा क्योंकि वेरिएबल अगर मेमोरी पर आया है तो जो उस मेमोरी में पड़ा है वो इसकी वैल्यू है। बट पॉइंटर की वैल्यू बेसिकली क्या होता है, एड्रेस होता है। तो पॉइंटर पी में क्या पड़ा होगा, कोई गार्बेज एड्रेस पड़ा होगा। हम तभी कहते हैं कि वेरिएबल जब बनाएंगे या बाद में कभी एंड ऑपरेटर का यूज करें। एंड ऑपरेटर का यूज आपने पहले भी किया था रेफरेंस ऑपरेटर, तो एंड ऑपरेटर मैंने उस समय भी बताया था दो जगह पर यूज होगा। इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में अगर यूज हो रहा है दैट इज कॉल्ड रेफरेंस ऑपरेटर, इक्वालिटी के राइट हैंड साइड में यूज हो रहा है दैट इज कॉल्ड व्हाट, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। फिलहाल इस केस में हम इक्वालिटी के राइट हैंड साइड में यूज कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। सो एंड ए, एंड इज व्हाट, एड्रेस ऑफ क्या फाइंड आउट करेगा, अ वेरिएबल कॉल्ड ए। So, हमने ए का एड्रेस जो भी था जिस भी मेमोरी लोकेशन में वो स्टोर हुआ था, इट कैन बी रैंडम, उसे हमने कहां डाल दिया, पी में डाल दिया। तो नाउ आई कैन से पी इज अ पॉइंटर व्हिच इज करंटली पॉइंटिंग टुवर्ड द एड्रेस ऑफ व्हाट, ए, ए को पॉइंट कर रहा है। और एल्स आप साथ साथ भी ले सकते हो int star p equals to what, and a, तो पॉइंटर भी बना और साथ साथ हमने उसके अंदर वैल्यू भी दे दी। वैल्यू क्या डाली, ए का एड्रेस डाला। इसको अगर समझे तो हम ये कहेंगे कि हमने ए नाम से एक वेरिएबल मेमोरी में बनाया, उसकी वैल्यू क्या थी, 10 हमने जो डाली, और मेमोरी में वो कहीं स्टोर हुआ है, मतलब उसका अपना क्या होगा, एक एड्रेस होगा। सो ए एक वेरिएबल है जो जिसमें वैल्यू क्या है, 10, जिसका अपना एक एड्रेस है 0x34a। सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज में, C++ लैंग्वेज के अंदर जो एड्रेसेस है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, सारे एड्रेस 0x34 इस तरह से आएंगे, 0x से बिगिन होंगे। सी लैंग्वेज के अंदर जो एड्रेसेस थे वो डेसिमल फॉर्मेट में थे, डेसिमल मतलब नंबर फॉर्मेट में थे, तो 6400, 6500, दैट विल बी एन एड्रेस। सी प्लस में एड्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड इन व्हाट, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। सो इस केस में हमने एक ए वेरिएबल बनाया, मेमोरी में कहीं जाकर बना होगा पता नहीं, आई अज्यूम द एड्रेस विल बी 0x34a, और एक हमने उसमें वैल्यू दी थी कॉल्ड ए, दैट इज 10, और इंटीजर टाइप का बनाया तो ये 2 byte ऑक्यूपाई कर रहा होगा। जब हमने पॉइंटर बनाया तो वो भी एक वेरिएबल ही था, पॉइंटर पी एक वेरिएबल था,
उसका भी अपना एक एड्रेस होगा, तो मेमोरी में वो भी कहीं ना कहीं स्टोर हुआ है, 0x39bc कहीं पर स्टोर हुआ है। और हमने पॉइंटर में क्या डाला है, एड्रेस ऑफ ए डाला था, दैट इज 0x34a, ये हमारे पॉइंटर की क्या है, वैल्यू है। सो पॉइंटर पी की वैल्यू क्या है, 0x34a है, विच इज द एड्रेस ऑफ व्हाट ए, किसी और का क्या पड़ा, एड्रेस पड़ा, ठीक है। अब पॉइंटर की बात करते हैं, जैसे मैंने यहां पर कहा कि इंटीजर टाइप वेरिएबल ए 2 byte ऑक्यूपाई करेगा, 10 उसकी वैल्यू है, 0x3fa उसका एड्रेस है, 4a उसका एड्रेस है। ऐसी पॉइंटर भी एक वेरिएबल है, वो भी मेमोरी पर आया होगा, तो वो भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा। अब हम यहां देख रहे हैं पॉइंटर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। देखो पॉइंटर्स ने हमेशा क्या स्टोर करना है, किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है। एड्रेस सी प्लस एस में किस फॉर्मेट में, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, और हेक्साडेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए हमें 2 byte का मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड। सभी पॉइंटर्स ने इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डेटा टाइप, उनका टाइप क्या है, पॉइंटर का टाइप आपने इंटीजर डिक्लेयर किया, कैरेक्टर दिया, फ्लोट दिया, पॉइंटर ने स्टोर क्या करना है, एक हेक्साडेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है, और हेक्साडेसिमल वैल्यू 2 byte ऑक्यूपाई करती है। इसका मतलब सारे पॉइंटर 2 byte ऑक्यूपाई करेंगे। तो पॉइंटर चाहे इंटीजर टाइप का हो, पॉइंटर चाहे कैरेक्टर टाइप का हो या फ्लोट टाइप का हो, सारे पॉइंटर मेमोरी में कितने बाइट ऑक्यूपाई करेंगे, 2 byte ऑक्यूपाई करेंगे। So, इसका मतलब जो हमने यहाँ पर पी बनाया था पॉइंटर, इंटीजर टाइप का था या करेक्टर था, फ्लोट था, फिलहाल तो हमने इंटीजर टाइप के बनाया, तो ये कितने बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है, 2 byte ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर ये टाइप फ्लोट भी होता तो भी कितने बाइट ऑक्यूपाई करता, 4 नहीं 2 ही करता, क्योंकि पॉइंटर ने स्टोर हेक्साडेसिमल करना है और उसके लिए 2 byte का स्पेस इनफ। सो बेसिकली पॉइंटर क्या करेंगे, दे स्टोर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल, दे स्टोर हेक्साडेसिमल वैल्यू, एंड दे ऑक्यूपाई 2 bytes इन व्हाट मेमोरी। अगर ऐसा केस है तो फिर हमने कहा इंटीजर और फ्लोट पॉइंटर दोनों हेक्साडेसिमल वैल्यू स्टोर करेंगे, दोनों 2 byte मेमोरी में ऑक्यूपाई करेंगे, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस इन इंटीजर कैरेक्टर एंड फ्लोट टाइप व्हाट पॉइंटर, जब दोनों में सेम टाइप की वैल्यू आ रही है, सेम मेमोरी बाइट ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो फर्क क्या है। पॉइंटर का टाइप ये बताएगा कि एग्जैक्टली वो किस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, मतलब अगर इंटीजर टाइप का पॉइंटर है तो वो स्टोर क्या करेगा, किसी इंटीजर टाइप वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, किसी फ्लोट टाइप वेरिएबल का एड्रेस इंटीजर टाइप वेरिएबल में नहीं, पॉइंटर में नहीं आएगा। तो पॉइंटर का टाइप ये बताएगा कि वो जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उसमें डेटा किस टाइप का पड़ा, क्लियर हो ना, मतलब इंटीजर टाइप पॉइंटर को आप फ्लोट में नहीं डाल सकते, सॉरी इंटीजर टाइप वेरिएबल का एड्रेस हम फ्लोट टाइप के पॉइंटर में नहीं डाल सकते, एंड सिमिलर फ्लोट टाइप वेरिएबल का एड्रेस मैं किसी इंटीजर टाइप के पॉइंटर में नहीं डाल सकता हूं। इंटीजर टाइप का पॉइंटर इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस इंटीजर टाइप के पॉइंटर में ही जाएगा। सो पॉइंटर का टाइप ये डिफाइन करेगा कि पॉइंटर किस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस अपने पास स्टोर कर सकता है, अदरवाइज सारी प्रॉपर्टीज क्या थी उनकी, सेम ही थी। अब पॉइंटर के ऊपर ऑपरेशन करते हैं, छोटे से प्रोग्राम ले रहे हैं, छोटे छोटे आउटपुट देखेंगे। हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया 10, ए विद द वैल्यू कॉल्ड 10, और इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर लिया, पॉइंटर में ए का एड्रेस डाल दिया। तो अब एक एक स्टेटमेंट देखने क्या आता है, मैंने यहां पर ए को प्रिंट करवाया, सी आउट ए, तो बट ऑफ ए एक वेरिएबल है, हम उसे प्रिंट करवा रहे हैं, तो ए की वैल्यू क्या है, प्रिंट हो जाएगी। तो दिस इज द वैल्यू इन व्हाट ए, जो कि 10। मैंने यहां पर पी को प्रिंट करा, हम किसी वेरिएबल को प्रिंट करते हैं तो उसकी वैल्यू प्रिंट होती है, अगर आप पी को प्रिंट कर रहे हो तो पी की भी वैल्यू प्रिंट होगी, बट पी की वैल्यू क्या है, ए का एड्रेस है, पी में हमने क्या स्टोर किया था, एड्रेस ऑफ ए, तो इसमें प्रिंट क्या आएगा, वैल्यू इन पी, बट व्हाट डज पी स्टोर, इट इज द एड्रेस ऑफ व्हाट ए, तो यहां पर क्या प्रिंट आएगा, ए का एड्रेस प्रिंट आएगा। अगर मैं सी आउट एंड ए करता हूं, एंड ए से तो हमने मेंशन ही कर दिया कि वी रिक्वायर्ड व्हाट, एड्रेस ऑफ ए चाहिए, तो ए का एड्रेस ही प्रिंट आ जाएगा, यानी ऊपर दोनों स्टेटमेंट सेम होंगे, दोनों की वैल्यू एड्रेस ऑफ ए वो भी प्रिंट कर रहा है और ये भी डायरेक्टली एड्रेस ऑफ ए ही प्रिंट कर रहा है। ऐसी एंड पी से क्या आ जाएगा, पी का अपना इटसेल्फ एड्रेस, कि उसका अपना एड्रेस क्या था, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा पी का अपना एड्रेस जो भी था वो प्रिंट आएगा। तो यहां तक वैल्यूज प्रिंट आई और उनके खुद के हमने एड्रेसेस प्रिंट किए, बट अब स्टार ऑपरेटर की बात करते हैं, अभी तक एंड ऑपरेटर था, नाउ स्टार।
स्टार का मतलब होता है वैल्यू एट, नो स्टार पी, व्हाट इज पी, मतलब अगर स्टार पी में स्टार को हटा दूं तो पी को हमने क्या कहा था, पी इज कॉल्ड एज द एड्रेस ऑफ व्हाट ए था, मतलब हम जब सी आउट पी करेंगे तो एग्जैक्टली पी की वैल्यू प्रिंट आएगी, और पी की वैल्यू क्या है, एड्रेस ऑफ ए है, और उसके ऊपर स्टार लगा रखा है, मतलब वैल्यू एट दिस एड्रेस, तो वैल्यू एट पी, पी का मतलब क्या था, एड्रेस ऑफ ए, तो वैल्यू एट दिस एड्रेस, और ये क्या बना, वैल्यू इन व्हाट ए बनी, यानी यहां पर भी क्या प्रिंट आएगा, ए की वैल्यू प्रिंट आएगी 10। नो अब और मॉडिफाई कर, हमने किया एंड पी, एंड पी से क्या आएगा, पी का खुद का एड्रेस, और उस एड्रेस की वैल्यू, मतलब पी की वैल्यू होगी, और पी की वैल्यू क्या है, एड्रेस ऑफ क्या आएगा, ए आएगा, अगेन यहां चेक करना, एड्रेस ऑफ पी की वैल्यू, मतलब पी की वैल्यू, जैसे मैंने यहां पर कहा एड्रेस ऑफ ए की वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू होगी, ऐसी एड्रेस ऑफ पी की वैल्यू मतलब क्या होगा, पी की वैल्यू होगी, और पी में क्या पड़ा है, दैट इज द एड्रेस ऑफ ए, तो इसे प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट आएगा, एड्रेस ऑफ ए प्रिंट आएगा। अगर ये एड्रेस ऑफ ए दे रहा है तो मैंने इसी के ऊपर एक और स्टार लगा दिया, सेम वही है एंड पी का स्टार, अभी तक एंड पी स्टार ने हमें क्या दिया, एड्रेस ऑफ ए दिया, और एक और स्टार लगा दिया, तो इस एड्रेस की भी क्या आ जाएगी, वैल्यू, विच इज व्हाट, वैल्यू इन व्हाट, ए, ठीक है, सिंपल स्टार ऑपरेटर थे, स्टार एंड एंड, एंड से एड्रेस निकलेगा, स्टार से उस एड्रेस की क्या आएगी, वैल्यू, इससे ऊपर डबल स्टार और नहीं जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट में अब हमें क्या मिल चुकी है, वैल्यू मिल चुकी है, अगर मैं एक और स्टार लगाऊंगा तो वो क्या कहेगा, वैल्यू की वैल्यू नहीं होती। नाउ वी हैव पॉइंटर टू वेरिएबल, अभी भी हमने जो पढ़ा वो भी क्या थे, पॉइंटर जो किसी एक वेरिएबल को पॉइंट कर रहे हैं, पॉइंटर पी इज पॉइंटिंग टूवर्ड अ वेरिएबल कॉल्ड ए। हम इसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, छोटा सा एक प्रोग्राम है मैंने बनाया, तो हमें इसका आउटपुट देखना है, पहले समझते हैं, हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया x विद अ वैल्यू कॉल्ड 10, y विद अ वैल्यू कॉल्ड 20, दो पॉइंटर हमारे xptr एंड व्हाट yptr, xptr में हमने x का एड्रेस डाला है, yptr में हमने y का एड्रेस डाला है, हमने प्रिंट कराया x और y को, तो क्या प्रिंट आएगा, हमने x और y में क्योंकि कुछ चेंज नहीं किया, अभी हमने सिर्फ दो वेरिएबल्स बनाए, दो पॉइंटर्स बना के उनका एड्रेस अपने पास स्टोर करवा दिए, तो x और y की वैल्यू क्या होंगी, एज इट इज आएंगी, मतलब क्या आएगा, 10 एंड व्हाट 20, अभी तक कुछ चेंज किया ही नहीं, चेंज यहां पर हुआ, स्टार ऑफ xptr इक्वल स्टार ऑफ yptr प्लस 5, स्टार ऑफ xptr, xptr कॉरेस्पॉन्ड टू व्हाट, एड्रेस ऑफ x, और उसकी वैल्यू, मतलब वैल्यू एट व्हाट, x बन गया, यहाँ ये पॉइंट क्लियर हो ना, xptr में क्या पड़ा है, एड्रेस ऑफ x पड़ा है, और एड्रेस ऑफ x की वैल्यू का मतलब क्या बन गया, x बन गया, मतलब वैल्यू एट x, तो एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ तो आई विल कॉल इट एज व्हाट, x बना हमारे पास, मतलब मैं इसे यही डिफाइन करूंगा ना, ये क्या बना, x इक्वल, फिर हम बात कर रहे हैं स्टार ऑफ yptr, स्टार ऑफ yptr, yptr में एड्रेस पड़ा है y का, और y की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या लिख रहे हो आप, y लिख रहे हो, y प्लस 5, तो एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट क्या बनी, स्टार ऑफ xptr इक्वल टू स्टार ऑफ yptr प्लस 5 इज इक्वल्स x इक्वल्स टू व्हाट, y प्लस 5, xptr मतलब एड्रेस ऑफ x की वैल्यू, एंड yptr एड्रेस ऑफ y की वैल्यू प्लस 5, दिस इज x, y इक्वल टू x इक्वल टू y प्लस 5, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप x और y को प्रिंट कर रहे हो, ऑलरेडी 10 और 20 था x और y के अंदर, x में कितना आएगा, 30 आएगा, 25 किया ना हमने, सो वी से x इक्वल टू y, y इज 20 प्लस 5 25, ये x में चला गया, x की वैल्यू 25 और y हमने कुछ चेंज नहीं किया, तो y स्टिल रिमेन व्हाट, 20। नाउ नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट हमने क्या लिखा, xptr इक्वल्स yptr, मतलब xptr भी उसी को पॉइंट करे जिसे yptr कर रहा है, yptr हमने देख लिया ऑलरेडी पॉइंट कर रहा था किसे, y को, इसका मतलब इस समय दोनों ही किसको पॉइंट कर रहे हैं, y को कर रहे हैं, दोनों y को कर रहे हैं,
इसका मतलब स्टार ऑफ एक्स पी टी आर इक्वल स्टार ऑफ वाई पी टी आर प्लस 10, ये क्या बनेगा अगर दोनों y को कर रहे हैं, y इक्वल्स टू y प्लस व्हाट 10, क्योंकि एक्स पी टी आर पॉइंट कर रहा है y पी टी आर को और y पी टी आर पॉइंट कर रहा है y को, तो दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं, y को कर रहे हैं, तो वैल्यू दोनों की में अगर निकाल रहे हैं एक्स पी टी आर और y पी टी आर, दोनों की क्या बनेगी, y की बनेगी, तो y इक्वल्स टू y प्लस 10 अगर स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहे हो, तो x हमने कुछ चेंज नहीं किया, x वेरिएबल विल रिमेन 25, y equals to y plus 10 में हमने y में 10 ऐड कर दिया, तो रिजल्ट क्या बना 25 and what 30. Now y ptr next statement में हमने क्या किया, y ptr equals to and x, y ptr में किसका एड्रेस डाल दिया, x का. अभी फिलहाल इस स्टेटमेंट से पहले अगर बात करें तो दोनों में किसका एड्रेस पड़ा था, y का, तो मतलब हम ये कह सकते हैं ना, x ptr में एड्रेस पड़ा है y का, y ptr में एड्रेस पड़ा है y का, लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद y ptr में एड्रेस किसका रह जाएगा, x का रह जाएगा, तो उल्टा हो गया, x ptr में एड्रेस पड़ा है y का और y ptr में एड्रेस पड़ा है x का, तो अगर मैं यहां लिख रहा हूं वैल्यू एट y ptr दैट कम्स आउट टू बी व्हाट x इक्वल्स वैल्यू एट x ptr दैट इज कम्स आउट टू बी y प्लस व्हाट 10, तो x इक्वल्स टू y प्लस 10 हो गया, y ऑलरेडी 10 था, x मॉडिफाई होगा यहां पर, तो यहां पर एग्जैक्टली क्या बना, x 40 और y हमने कुछ चेंज नहीं किया, दैट इज 30. और इस प्रोग्राम को अगर ध्यान से देखो, फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमने किया क्या, हमने दो पॉइंटर लिए, x ptr एंड व्हाट y ptr. इनिशियली हमने x ptr में x का एड्रेस डाला, y ptr में हमने y का एड्रेस डाला. नेक्स्ट टाइम हमने x ptr इक्वल्स टू क्या किया, y ptr, मतलब x ptr में भी क्या डाल दिया हमने, y का एड्रेस डाल दिया. और उसके बाद हमने रिवर्स कर दिया, y ptr में क्या डाल दिया, x का एड्रेस डाल दिया, तो इंटरचेंज हो, मतलब डिफरेंट हो गए, y ptr में x का एड्रेस एंड x ptr में व्हाट, y का एड्रेस. दिस इज पॉइंटर टू वेरिएबल, था पॉइंटर किसी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा. नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंटर टू एरे, पॉइंटर किसी एरे को पॉइंट करेगा. अब इस स्टेटमेंट को देखो, int data of 5 हमने एक एरे बनाया और int star p हमने एक पॉइंटर बनाया, दोनों स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है ये समझना. पहली स्टेटमेंट में हमने डेटा नाम से एक एरे बनाया जिसका साइज 5 का एरे है, तो हमें पता है कि वो मेमोरी में कॉन्जिक्यूटिव स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, एलिमेंट 0 से लेकर 4 तक आपके पास एक्सेसिबल है, एक्सेस थ्रू वॉट डेटा ऑफ 0, डेटा ऑफ 1 एंड सो ऑन. बट अगर मैं एरे को एक्सेस करने के लिए डेटा 0, 1 तो लिख ही रहा हूं, अगर मैं सिंपली लिखूं डेटा 0, 1 कुछ नहीं लिखा, इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया, अगर मैं सिंपली एरे का नाम लिखता हूं, दैट ऑलवेज रेफर्स टूवर्ड्स द एड्रेस ऑफ व्हाट एरे, मतलब एरे आपने कहां पर बनाया उसका एड्रेस है, दैट इज कॉल्ड द बेस एड्रेस ऑफ व्हाट एरे, एरे कहां से बनना शुरू हुआ. वी कैन ऑल्सो कॉल्ड कि शुरू शुरू में एलिमेंट कौन पड़ा है, ए ऑफ 0 पड़ा है, सो वी कैन ऑल्सो कॉल्ड एज द एड्रेस ऑफ व्हाट फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है ना. तो डेटा 5 आपका एक एरे था, एलिमेंट एक्सेस हम 0 से लेकर 4 तक कर ही सकते हैं, बट विदाउट एरे नोटेशन, अगर आप डेटा को डायरेक्टली एक्सेस करोगे डेटा लिख के, तो दैट ऑलवेज रेफर्स टू व्हाट द बेस एड्रेस ऑफ एरे, मतलब सिंपली अगर डेटा को प्रिंट कराएंगे तो उसमें क्या पड़ा होगा, एरे का बेस एड्रेस पड़ा होगा, और वी कैन से फर्स्ट एलिमेंट का क्या पड़ा होगा, एड्रेस पड़ा. नाउ हमने ये भी पढ़ा है, एड्रेस सिर्फ स्टोर कहां होता है, पॉइंटर में होता है. अगर हम ये कह रहे हैं कि डेटा सिंपली एरे में डेटा को अगर आप प्रिंट करोगे उसमें क्या पड़ा होगा, एड्रेस पड़ा होगा, और हमें पता है एड्रेस सिर्फ किस में स्टोर होता है, पॉइंटर में स्टोर होता है, तो इसका मतलब डेटा क्या होगा, फिर पॉइंटर होगा. मतलब हम एक्चुअली जब एरे बनाते हैं, एरे नहीं बनता, क्या बनता है, पॉइंटर बनता है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट से भी डेटा नाम से एक पॉइंटर बना है, और int star p से भी एक p नाम से क्या बना है, पॉइंटर बना है. दोनों में क्या फर्क है, फर्स्ट स्टेटमेंट में डेटा नाम से एक पॉइंटर बना है, लेकिन वो पॉइंटर 5 मेमोरी के एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, मतलब पॉइंटर इज पॉइंटिंग टूवर्ड एन एड्रेस जहां पर आपके 5 एलिमेंट्स क्या है, स्टोर्ड. जबकि सेकंड स्टेटमेंट में
एक पॉइंटर बना, हमने उसमें कुछ नहीं डाला, तो बाय डिफॉल्ट वो एक गार्बेज एड्रेस को क्या कर रहा है, पॉइंट कर। सो दोनों केसेस में क्या बने, पॉइंटर ही बने। फर्क सिर्फ इतना था, पहले केस का बना पॉइंटर पॉइंट कर रहा है एक एड्रेस को जहां पर एक एरे पड़ा हो। सेकंड केस का पॉइंटर एक पॉइंटर है लेकिन उसमें पड़ा क्या है, गार्बेज है, किसी का एड्रेस नहीं पड़ा हो। सो दोनों केस में हम ये कहेंगे एक हमारा इम्प्लिसिट पॉइंटर है और एक हमारा एक्सप्लिसिट पॉइंटर है। जब एरे बना है तो पॉइंटर हमने नहीं बनाया, बट इंटरनली वो क्या बनते हैं, पॉइंटर ही बनते हैं। और दूसरे केस में हमने एक्सप्लिसिट पॉइंटर बनाया, तो अब हम इस एक्सप्लिसिट पॉइंटर को जो कि डिफॉल्ट गार्बेज एड्रेस के ऊपर पॉइंट कर रहा है, हम इसे पॉइंट करेंगे टुवर्ड व्हाट, आर एरे कॉल्ड डेटा। तो अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेटमेंट ने पी इक्वल्स वॉन्ट डेटा, देखो डेटा का मतलब ही पॉइंटर था और पी का मतलब ही पॉइंटर था। जैसे लास्ट एग्जाम्पल में एक्स पी टी आर इज अ पॉइंटर, वाई पी टी आर इज अ पॉइंटर, और हमने क्या लिखा, एक्स पी टी आर इक्वल्स वाई पी टी आर, मतलब एक्स पी टी आर में क्या डाल दो, जो वाई पी टी आर में पड़ा, द एड्रेस जो उसमें पड़ा था वो वाई में डाल दिया। तो इस केस में भी क्या हुआ, पी एक पॉइंटर है, डेटा एक पॉइंटर है, तो डेटा जिसको पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस हमने किस में डाल दिया, पी में डाल दिया। और एल्स यू कैन ऑल्सो राइट डेटा ऑफ जीरो का क्या है, एड्रेस, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस डाल दो आप एंड से, या फिर आपने बेस एड्रेस डायरेक्टली कहां डाल दिया, पॉइंटर पी में डाल दिया। तो इस समय आपका पॉइंटर पी एक डेटा नाम के एरे को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो अब दोनों एक ही बात होगी, पहले डेटा एक पॉइंटर था जो एक मेमोरी स्पेस को पॉइंट कर रहा है, पी एक पॉइंटर था जो गार्बेज को पॉइंट कर रहा है, बट अब हमने कह दिया पी भी डेटा वाले स्पेस को क्या करे, पॉइंट करे। तो पी भी एक एरे को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। सो दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। नो अगर दोनों एक ही लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, डेटा भी एक पॉइंटर है, पी भी एक पॉइंटर है, डेटा एक बंच को एक एरे को पॉइंट कर रहा है, तो पी भी उस एरे को ही पॉइंट कर रहा है, तो डेटा अपने एलिमेंट कैसे यूज करता है, डेटा जीरो, डेटा वन, डेटा टू, तो पॉइंटर पी भी अपने एलिमेंट कैसे यूज कर सकता है, पी जीरो, पी वन, पी टू, ठीक है ना, लाइक एन एरे। जैसे मैंने यूज किया है पी ऑफ जीरो, ठीक है, और डेटा ऑफ जीरो, एक ही बात होगी। तो चाहे मैंने पॉइंटर बनाया था बट मैं पॉइंटर को एक्सेस किसके थ्रू कर रहा हूं, एरे नोटेशन के थ्रू कर रहा हूं। ध्यान रखना है जब हम एरे बनाते हैं वो एरे नहीं बनता, पॉइंटर ही बनता है। एंड वेन वी आर राइटिंग पी ऑफ जीरो, जब मैंने ये चीज लिखी पी ऑफ जीरो और डेटा ऑफ जीरो, यहां पर पॉइंटर अर्थमेटिक यूज होती है। वो कैसे यूज होती है वो मैं बताऊंगा, मतलब पी ऑफ जीरो का एग्जैक्ट मतलब क्या है मैं वो बताऊंगा। यहां तक क्लियर हुआ कि हमने पॉइंटर बनाया जो किसको पॉइंट कर रहा है, एरे को पॉइंट कर रहा है, और एरे इटसेल्फ भी क्या होता है, पॉइंटर ही होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आता है पॉइंटर एरे को पॉइंट कर रहा है, ये ठीक है। अब हम देखते हैं पॉइंटर एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करेगा। एक तरीका हमने देख लिया पी जीरो, पी वन, पी टू, पी थ्री, कि पॉइंटर एरे को पॉइंट कर रहा है, तो वो भी अपने एलिमेंट्स इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर ही सकता है। तो पहला तरीका एक्सेसिंग एलिमेंट बाय एलिमेंट। तो पहला तरीका हम कि एरे के एलिमेंट्स को एलिमेंट बाय एलिमेंट क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, एक एक करके एक्सेस कर रहे हैं, और जैसे हम एरे में कर रहे थे वैसे ही पॉइंटर में कर रहे हैं। तो फॉर आई इक्वल टू जीरो से लेके फोर तक का लूप लगाया हमने, डेटा हमारा एरे है बट पॉइंटर पी उसको पॉइंट कर रहा है, तो मैं उसको प्रिंट किससे करूंगा, पी ऑफ आई भी कर सकता हूँ, डेटा ऑफ आई भी कर सकता हूँ, दोनों का मतलब एक ही चीज। पहला तरीका सिंपल था, यूजिंग एरे नोटेशन हमने पॉइंटर के थ्रू एरे के एलिमेंट के एक्सेस किया। अब दूसरा मेथड यूजिंग पॉइंटर नोटेशन एंड पॉइंटर अरिथमेटिक। हमें पॉइंटर पता है किसी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, उसकी वैल्यू चाहिए, तो हम स्टार लगा देते हैं कि वैल्यू निकालो स्टार ऑपरेटर से, और एड्रेस निकालना हो तो क्या निकालना, एंड से। इस केस में हम वही कर रहे हैं, बट यहां पहले देखेंगे पॉइंटर अरिथमेटिक। पॉइंटर अरिथमेटिक नॉर्मल अरिथमेटिक से थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मल अरिथमेटिक में हम कहते हैं कि ए वेरिएबल में 5 पड़ा है, अगर आप इसमें इंक्रीमेंट करोगे a इक्वल्स टू a प्लस 1, तो क्या होगा, a की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब a में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, वैल्यू में एक ऐड होगा। लेकिन अगर किसी पॉइंटर में एड्रेस पड़ा है, लाइक p एक एरे को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या पड़ा है, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो जब आप पॉइंटर को इंक्रीमेंट करोगे ना, तो वो कहां जाएगा, भाई पॉइंटर
सपोज करो एक एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, जैसे इस एग्जांपल में किया हमने कि वो एक एरे को पॉइंट कर रहा है, लेट अस से डेसिमल में वैल्यूज हैं, एड्रेस है 6400, तो पॉइंटर पी इज पॉइंटिंग टुवर्ड द फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 6400। अगर मैं पी प्लस 1 करता हूं, मतलब नॉर्मल अर्थमेटिक के अकॉर्डिंगली ये 6401 होना चाहिए, बट 6401 मेमोरी की अगर बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, किसी वेरिएबल का मिड होगा, क्योंकि अगर p इंटीजर टाइप वेरिएबल को पॉइंट कर रहा था, इंटीजर टाइप वेरिएबल 2 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, तो अगर आप एक इंक्रीमेंट करोगे तो आपका एक बाइट इंक्रीमेंट होगा, तो आप किसी वेरिएबल के कहां आ गए, मिड में आ गए, कुछ मिलेगा नहीं वैल्यू। नहीं, अगर हम ये मानते कि पॉइंटर अर्थमेटिक भी नॉर्मल अर्थमेटिक की तरह काम करता, तो एट पॉइंट देखो मैंने स्टार नहीं लगाया ना, अगर स्टार लगाता देन से की वैल्यू में इंक्रीमेंट होती। अभी मैं एड्रेस में एक ऐड कर रहा हूं, p प्लस 1, मतलब स्टार नहीं लगा, अगर स्टार लगाता देन से की वैल्यू में आप एक ऐड कर, स्टार नहीं है, p है, मतलब एड्रेस में एक ऐड कर रहा हूं, अगर एड्रेस में एक ऐड कर रहा हूं तो 6401 होगा, जो पता नहीं किसी का एड्रेस होगा, या हम ये कहें तो इस केस में किसी वेरिएबल का मिड होगा, कि पहला वेरिएबल 6400 पर है तो दूसरा वेरिएबल कहां होगा, 2 बाइट आगे होगा ना, 6402 पर होगा। अगर नॉर्मल अर्थमेटिक होती तो 6401 बीच में किसी के एड्रेस के पहुंचे, गलत होगा, ठीक है ना। तो नॉर्मली जब पॉइंटर में इंक्रीमेंट किया जाएगा तो वो नेक्स्ट एड्रेसेबल मेमोरी पे जाएगा अपने आप, मतलब अपने आप ही पी प्लस 1 करोगे आप, वो कहां जाएगा, नेक्स्ट एड्रेसेबल मेमोरी, मतलब वो कहां मूव करेगा, 640 पर 2 पे जाएगा, 2 बाइट आगे जाएगा, और वो 2 बाइट गया ये किस बेसिस पर था, पॉइंटर का टाइप। तो तब वो क्या चेक करेगा, पॉइंटर हमेशा नेक्स्ट एड्रेसेबल मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, कि इस समय वो किसी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है तो नेक्स्ट वेरिएबल कहां पर होगा, वो 2 बाइट आगे होगा, 2 या 3 या 4 बाइट जहां पर भी है और आगे होगा। ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, पॉइंटर पी का टाइप क्या है, यहां टाइप इंपॉर्टेंट आता है काम। पॉइंटर पी का टाइप अगर इंटीजर है, इसका मतलब पॉइंटर पॉइंट किसे कर रहा होगा, किसी इंटीजर टाइप वेरिएबल को कर रहा होगा। तो जब आप इंक्रीमेंट करोगे, क्योंकि मैं इंटीजर टाइप वेरिएबल को पॉइंट कर रहा हूं, तो अगला वेरिएबल कहां पड़ा होगा, 2 बाइट आगे पड़ा होगा, क्योंकि इंटीजर टाइप वेरिएबल 2 बाइट लेता है। अगर मैं किसी फ्लोट टाइप वेरिएबल को पॉइंट कर रहा हूं, तो इसका मतलब अगला वेरिएबल कहां पड़ा होगा, 4 बाइट आगे पड़ा होगा, क्योंकि ये वाला वेरिएबल 4 बाइट ले रहा है। और अगर मैं किसी कैरेक्टर को कर रहा हूं, वो 1 बाइट होगा। यानी पॉइंटर में जब भी हम इंक्रीमेंट करेंगे, पॉइंटर का टाइप चेक होगा, बेस्ड ऑन टाइप क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। यानी चाहे मैं लिखूंगा p इक्वल्स टू p प्लस 1, एक बढ़ाना है, लेकिन एक किस में बढ़ाना है, एड्रेस में बढ़ाना है, तो वो देखेगा कि पॉइंटर p का टाइप क्या है, तो वैल्यू में क्या करो, 2 बढ़ाओ अगर इंटीजर है तो, 4 बढ़ाओ अगर फ्लोट है तो, 1 बढ़ाओ अगर वो टाइप कैरेक्टर है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि सपोज मेरा इंटीजर टाइप का वेरिएबल 2 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है और मेरा बेस एड्रेस 6400 है, तो नेक्स्ट एड्रेसेबल मेमोरी लोकेशन क्या होगी, 2 बाइट के अकॉर्डिंगली 6402 होगी। और अगर मेरे इसी पॉइंटर का टाइप फ्लोट होता, मतलब पॉइंट किसी फ्लोट टाइप वेरिएबल को कर रहा हूं, तो अगला वेरिएबल इसके बाद ही बनेगा, यानी वो कितने बाइट आगे होगा, 4 बाइट होगा, तो इसका नया एड्रेस क्या आएगा, 6404 आएगा। सो पॉइंटर अर्थमेटिक में जब भी हम इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन पॉइंटर टाइप होगा, स्टार का नहीं, वैल्यू का नहीं कर रहे। अगर मैं यहां पर स्टार पी लिखता तो वैल्यू इंक्रीमेंट होती, जो कि 1 ही था फिक्स, बट अगर मैं एड्रेस को आगे बढ़ने के लिए कह रहा हूं, तो डेटा टाइप ऑफ व्हाट पॉइंटर मैटर करेगा, उसके बेसिस पर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। आपको कुछ नहीं करना, आप लिखोगे p इक्वल्स टू p प्लस 1, वो अपने आप टाइप चेक करेगा और उसके बेसिस पर अपना इंक्रीमेंट करेगा, चाहे कोई भी साइड स्टेटमेंट राइट करो, प्लस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, उतने ही बाइट्स आगे जाएगा। अभी मुझे एलिमेंट्स प्रिंट करने थे पॉइंटर नोटेशन में। देखो मैंने क्या लिखा, फॉर 0 to 4 एलिमेंट सब चला रहे, सी आउट स्टार पी, पी में क्या पढ़ा था इनिशियली, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट की यहां पर क्या प्रिंट होगी, वैल्यू प्रिंट होगी। और उसके बाद मैंने पी प्लस प्लस कर दिया, पी को इंक्रीमेंट कर दिया, इट इज इक्वल टू पी प्लस 1, तो पी कहां जाएगा, नेक्स्ट एड्रेसेबल मेमोरी पे जाएगा। A of 0 के बाद नेक्स्ट एड्रेसेबल मेमोरी कौन सी है, A of 1 है, तो P++ से वो कहां पर पहुंचा, A1 पे पहुंचा। तो नेक्स्ट लूप में जब आएगा, अगेन वैल्यू किसकी प्रिंट आ रही है, P की, बट P जंप कर चुका है आगे, P में अब एड्रेस किसका पड़ा है,
नेक्स्ट का पड़ा हुआ ए वन का, तो वैल्यू किसकी प्रिंट आई ए वन। फिर पी इटसेल्फ इंक्रीमेंट हुआ, पी का एड्रेस हमने बढ़ाया, वो ए ऑफ टू पर गया, ए ऑफ थ्री पर गया, फोर पर एंड सो ऑन। क्लियर हुआ ना? इन दिस केस क्या हुआ, पी इनिशियली पॉइंट कर रहा था ए ऑफ जीरो पे, जब आप पी प्लस प्लस कर रहे हो तो वो मूव करेगा नेक्स्ट एड्रेसेबल मेमोरी पर, विच इज व्हाट ए ऑफ वन का एड्रेस आएगा, स्टार से क्या आ जाएगी उसकी वैल्यू एंड सो ऑन। तो इंक्रीमेंट करने से एड्रेस का इंक्रीमेंट होगा, बट वो बाइट्स के अकॉर्डिंगली वो नेक्स्ट वेरिएबल पे जंप करेगा। अब एक मेथड ये था स्टार पी और हमने पी को इंक्रीमेंट कर दिया, बट उसी केस को ले रहे हैं अगर हम, यहां पर पी प्लस प्लस इंक्रीज हो रहा है, पॉइंटर इटसेल्फ भी क्या हो रहा है इंक्रीज होगा, मतलब अगर पॉइंटर लूप शुरू होने से पहले बेस एड्रेस पर था, इस लूप के खत्म होने के बाद वो कहां पर पड़ा होगा, लास्ट एड्रेस पर पड़ा होगा, क्योंकि पॉइंटर इटसेल्फ क्या हो रहा है इंक्रीज किया, ठीक है ना। तो ये एक तरह से वो हो गया कि जैसे सपोज करो आपको यहां पर एग्जांपल में, मैं इसको लिखने का तरीका लिख रहा हूं सिर्फ, कि हमने स्टार पी और पी प्लस प्लस से पी इटसेल्फ क्या होता है इंक्रीमेंट होता है। अगर मैं वो स्टेटमेंट इस तरह से राइट कर दूं जीरो से लेके चार तक, बट यहां पर मैं पी को इंक्रीमेंट नहीं कर रहा, क्या लिख रहा हूं स्टार पी प्लस आई, मतलब पी में जीरो ऐड करो, जो एड्रेस बने उसकी वैल्यू को क्या करो प्रिंट कर दो, पी इटसेल्फ चेंज नहीं होगा। मतलब ये इस तरह से है, ए में फाइव पड़ा आपको सिक्स चाहिए, सिक्स लेने के दो तरीके हैं, इधर वी कैन राइट ए इक्वल्स टू ए प्लस वन, इसमें ए में क्या आ गया सिक्स आ गया, बट इससे क्या हुआ ए अपनी ओरिजिनल वैल्यू फाइव लूज कर गया। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं बी इक्वल्स टू ए प्लस वन, इसमें बी में क्या आ गया सिक्स आ गया, जबकि ए में क्या पड़ा है ओरिजिनल वैल्यू पड़ी है, तो ए में क्या पड़ा है फाइव, ए में एक ऐड करके जो बना आपने कहां डाला बी में डाला, ए चेंज नहीं हुआ। तो अभी जो हमने किया पी प्लस प्लस, इससे पी चेंज हो रहा है, लेकिन अगर मैं करूं पी प्लस वन किसी वेरिएबल में डाल लूं तो फिर पी चेंज नहीं होगा। जैसे इस केस में मैंने डायरेक्टली कर दिया पी प्लस आई को स्टार कर दिया, और एल्स मैं ये कर सकता हूं पी प्लस आई किसी के वेरिएबल में डाल लूं, दिस इज कॉल्ड आई, सो पी प्लस आई पॉइंटर में एक इंक्रीमेंट करके पी प्लस आई मैं किसी के में डाल लूं, किसी वेरिएबल में डाल लूं, और उस वेरिएबल को क्या करो प्रिंट कर लो। क्लियर हो ना? दोनों में क्या फर्क आ गया, दोनों सेम है, वहां मैंने डायरेक्टली प्रोसेस कर दिया या मैंने किसी वेरिएबल में डाल के उसे प्रोसेस कर दिया, बट इंपॉर्टेंट क्या है दोनों में, इस प्रोग्राम और पिछले प्रोग्राम में, वो ये कि पिछले प्रोग्राम में लूप के बाद अगर हम पी को चेक कर रहे हैं, क्योंकि पी इटसेल्फ इंक्रीमेंट हो रहा था, तो पी कहां पड़ा होगा लास्ट पर, लेकिन इस केस में पी कहां पड़ा होगा बिगिनिंग पर होगा, यानी लूप खत्म होने के बाद भी लूप पॉइंटर पी कहां होगा बिगिनिंग पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है पॉइंटर अरिथमेटिक में इंक्रीमेंट होता है डिक्रीमेंट नहीं होता। सो वी हैव पी प्लस प्लस, नेक्स्ट एड्रेस पे चला जाओ, मुझे पता है मैं जिसको पॉइंट कर रहा हूं वो दो बाइट का होगा, तो अगला एड्रेस दो बाइट आगे बढ़ा होगा, बट माइनस माइनस में मुझे क्या पता पिछले वाला एड्रेस पिछले वाला वेरिएबल चार बाइट ले रहा है दो बाइट ले रहा है, इसलिए पॉइंटर डिक्रीमेंट नहीं होगा, पॉइंटर हमेशा क्या होगा अरिथमेटिक के केसेस में इंक्रीमेंट ही होगा। एड्रेस इटसेल्फ को आप बढ़ा सकते हो, एड्रेस को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए मुझे ये केस ध्यान में रखना है कि मेरे लूप के बाद मेरा पॉइंटर कहां पर होगा, बिगिनिंग पर होगा एंड पर होगा, अगर एंड पर होगा तो मुझे उसे दोबारा बिगनिंग से पॉइंट करवाना पड़ेगा, और एल्स इस केस में बिगनिंग पे ही रहेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट की क्या आ रही है वैल्यूज आ रही है। सो आई कैन से हियर कि जब आप ए ऑफ जीरो लिखते हो ना, ये ध्यान रखना है, व्हेन आई राइट ए ऑफ जीरो, अब इसको इस एग्जांपल में देखो, हमारे पास था डेटा ऑफ जीरो, उसे हमने पॉइंटर नोटेशन में यहां पर क्या लिखा स्टार पी प्लस आई में प्रिंट करवाया, यानी स्टार पी प्लस क्या होगा जीरो होगा। ऐसी डेटा ऑफ वन की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली दिस इज इक्विवेलेंट टू स्टार पी प्लस व्हाट वन, तो एग्जैक्टली जब आप डेटा ऑफ वन लिखते हो ना, कंपाइलर उसे कंपाइल टाइम पे रिप्लेस कर देता है, इट विल बी डेटा, इट इज स्टार डेटा प्लस व्हाट जीरो, इस तरह से प्रोसेस कर, क्योंकि उसके लिए डेटा एक एरे नहीं है एक पॉइंटर है, और पॉइंटर में जीरो फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो इंडेक्स नहीं, इस तरह से लिखते स्टार डेटा ऑफ जीरो, तो आप डेटा ऑफ जीरो लिख रहे हो
लेकिन वो एक्सेस उसे किस तरह से कर रहा है, स्टार डेटा ऑफ जीरो से कर रहा है। सो दैट इज हाउ पॉइंटर्स आर एक्सेस। Thank you.